वेलकम बैक गाइस विद अनदर वीडियो इन अकाउंटिंग गुरुजी। मैं यहां पे स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्टनरशिप्स अकाउंट। पार्टनरशिप्स अकाउंट का एक ग्रुप जो क्लास 12 का अकाउंटिंग सिलेबस मैंने स्टार्ट किया है तुलसन राइटर की बुक से सीबीएसई में। सो गाइस इफ यू आर इन 12th क्लास यू मस्ट बी सी द वीडियो टिल द लास्ट एंड सब्सक्राइब द बटन इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑफ माय चैनल। गाइस टुडे we have two topic now. First topic, how calculate interest on drawing, and the second topic is charge interest on capital and distribution of profit and loss. अभी हमने partnership start की है, तो partnership में मैंने before 3 videos में उनका fundamentals, rights, what is partnership deed and types of capital account ये समझाया है। और आज मैं starting कर रहा हूँ numericals की, अब basic of numericals जिसमें short questions कैसे आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में वो आप देख सकते हैं और उन्हें कैसे इजीली हम शोर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ टू कैलकुलेट, लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, यू मस्ट सी रूल्स कहते हैं इफ फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉन। अगर कोई बिजनेस में पार्टनर्स एक फिक्स अमाउंट विथड्रॉ करता है हर मंथ, क्वार्टरली या एनुअली, तो कौन कौन से अजम्पशंस लागू होते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर माह के बीच में विड्रॉ करता स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है तो उसको 6.5 माह 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर कोई पार्टनर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर मंथ के एंड में विड्रॉ करता है तो 5.5 मंथ का उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। अगर कोई मिडल ऑफ द मंथ करता है 6 मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, अगर किसी क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर मींस 3-3 माह में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-1, 3-1, 3-1 एंड 3-1 आल्सो, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ क्वार्टर 6 मंथ, ये वो टर्म्स का चार्ज है जब कोई विड्रॉ करता है। सपोज एक पार्टनर ने 12 मंथ्स में हर मंथ 2,000 रुपए निकाले, तो सबको पता है 12 मंथ्स इंटू 2,000 24,000 रुपीज उसने एनुअली निकाले, तो उसका इंटरेस्ट कितना बैठेगा ये हम आज कैलकुलेट करेंगे। सो गाइस आपके सामने अजम्पशंस हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास पहला एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम, पर एनम मतलब वार्षिक, इफ विड्रॉन रुपीज 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर वो पार्टनर हर माह के एंड में 2,000 रुपए निकालता है, सो गाइस 10% के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बैठा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं The formula of interest on drawings, that is total drawings into percentage upon 100 into month, जैसे 6.5 है या 5.5 है तो वो आ जाएगा यहां पर, और upon 12, ये formula रहने वाला है। So guys इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2000 पर मंथ निकाले, तो 12 मंथ में उसने कितने पैसे विड्रॉ किए, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 24,000। व्हाट इज द परसेंटेज, 10%। बट उसने महीने के एंड में किए हैं, तो आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 5.5, 5.5 माह का टोटल, जिसे हम कह सकते हैं 11/2, और एक साल में 12 माह होते हैं, इट मींस 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यू आल्सो नो। ओके गाइस, 1100 रुपीज ये आंसर आ गया, 1100 रुपीज का उसको गाइस इंटरेस्ट पे करना होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन वी हैव, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम इफ विड्रॉन रुपीज 6,000 पर क्वार्टर। अब यहां पे ये नहीं कहा कि क्वार्टर के शुरू में विड्रॉ करता है या एंड में, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है तो हम ये वाला मानेंगे ड्यूरिंग द मिडल ऑफ क्वार्टर। अगर कुछ नहीं लिखा है बच्चों तो आप ये मानेंगे कि माह के या क्वार्टर के मिडल में, बीच में से विड्रॉ करता है, तो वो वाला टर्म्स लगेगी। ओके, अगर लिखा है एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ, तो बात अलग है, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो मिडल वाला हम लेंगे। तो यहाँ पे विड्रॉ कितने किए हैं उसने, 6,000 पर क्वार्टर।
एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 4 क्वार्टर होते तो 6 × 24,000 परसेंटेज 5/100। अब आप देख सकते हैं मिडल ऑफ द क्वार्टर है, 6 मंथ का लग रहा, तो 6/12 करेंगे। किसी को डाउट? 6 × 12 and 120, ₹600। That is the answer. Okay guys, तो ये था calculation of interest on drawing with shortcut method. Now we have interest on capital, how to charge interest on capital and how to distribute the profit and loss of partnerships to every partner. So guys, to distribute the profit and loss, we have to make two ledgers. First, a ledger profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account is called in Hindi लाभानि नियोजन खाता। लाभानि नियोजन खाता, इसमें हम जो प्रॉफिट होता है पूरे ईयर का, जो नेट प्रॉफिट आप कह सकते हो, आपने 11th में पढ़ा ही होगा, उसको हम यहां पर लिखेंगे और उसको डिवाइड करते हैं। ओके गाइस, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो क्रेडिट साइड होती है, इसमें प्रॉफिट आता है। डेबिट में अगर कोई इंटरेस्ट है, सैलरी है, ये सब आ जाता है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर साथ में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। मैंने कुछ टीचर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग बनाते हैं, मैंने कंबाइन बनाया है। अगर हमारे 4 भी पार्टनर है, 5 भी पार्टनर है, तो उनके ऐसे 5 कॉलम ऐसे बन जाएंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी करके। मेरे पास दो है तो मैंने दोनों के एक में ही बना लिए। ये अच्छा मेथड होता है, इससे टाइम की बचत होती है, समय की और आपकी स्पेस की बचत होती है, जगह बचती है आपकी और थोड़ा एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, इसीलिए अपनाते हैं इसको। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर प्रॉफिट रेशियो ऑफ 2:3, ये रेशियो से है, विद कैपिटल ऑफ ₹20,000 and ₹10,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹2,100, शो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले एक एक चीज को देखें गाइस। सबसे पहले आपको क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2:3, इससे हम प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। उसके साथ दिया है दोनों की कैपिटल, इस कैपिटल को हम यहां लिख लेंगे। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है, दैट इज आवर लायबिलिटी, शुड बी शोन इन क्रेडिट साइड। बाय कैपिटल 20,000 एक्स की है एंड 10,000 वाई की है। ओके गाइस, सेकेंडली हमें दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट आपको क्रेडिट में दिखाना है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस 2001। सो गाइस, प्रॉफिट को आपको क्रेडिट में दिखाना है 2100। अब हमें प्रॉफिट के अलावा 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। अभी तक हमने क्या किया है, ये कैपिटल रखी है, ये प्रॉफिट रखा है। अब हम सबसे पहले चार्ज करेंगे कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट सबसे लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लॉट ऑफ एक्सपेंसेस वी हैव। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर एक्सपेंस, इसकी एंट्री बनाना चाहे तो ये बनती है। पार्टनर्स को हम क्रेडिट करते हैं टू पार्टनर्स, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करते हैं। ओके गाइस, तो इसकी एंट्री यहां जाएगी और यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, दोनों का लिख दिया गाइस। अब 6% है तो जितनी इनकी कैपिटल है उसमें निकाल दिए, 20,000 का 6% 1200, 10,000 का 6% 600, तो टोटल हो गया ये 1800। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये क्रॉस पोस्टिंग होके यहां जाएगा, सबको पता है ये होती है लेजर टू लेजर पोस्टिंग। अगर इधर लिखा है तो आप इधर ले जाएंगे, इधर लिखा है तो आप इधर लाएंगे, क्योंकि आपने यहां एंट्री किया तो पार्टनर्स की तो अकाउंट्स में जाएगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके गाइस, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को।
आप देख सकते हैं अभी तक 2100 टोटल प्रॉफिट था, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव ओनली 300 प्रॉफिट। 2100 में 1800 गए तो 300 प्रॉफिट। इसको हम डिवाइड करेंगे बिटवीन पार्टनर्स एक्स वाई विद रेशो 2 and 3। तो 300 को 2 and 3 में आप बांट लेंगे तो आप देख सकते हैं 2/5, 3/5। तो हम काट के देखते हैं 2 and 3 का रेशियो होता है 2/5 and 3/5। इस तरह बांटते हैं, आप सब जानते ही होंगे कि इसको जो इसका जो योग होता है 5, उसको बटे में लिख लीजिए ऐसे, तो 2/5, 3/5। तो ये आ गया प्रॉफिट। अब ये आपका पूरा हो गया रिजल्ट। अब इसकी भी ग्रॉस पोस्टिंग जाएगी गाइस यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस 120 एंड 180। तो ये था क्वेश्चन आज का। इसमें हमने प्रॉफिट दिखाकर कैपिटल चार्ज किए एंड प्रॉफिट को डिवाइड किया है, उसकी क्रॉस पोस्टिंग हमने यहाँ की है। अब हम एक लेजर तो बंद हो गया ऑटोमेटिक, इसको भी बंद करते हैं तो इसका बैलेंस निकलेगा गाइस। क्या निकलेगा? बैलेंस टोटल कर दीजिए और ये यहां पर इसका बैलेंस आ जाएगा। ओके गाइस, सो गाइस ये था आज का हमारा क्वेश्चन विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये भी स्टार्टिंग है, आगे मैं आपको स्लोली सारा अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ ट्वेल्थ का। सो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें इफ यू आर न्यू व्यूअर इन माय चैनल नाउ, और बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको इसी तरह सिखाता रहूंगा। कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कुछ हो तो कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि वो भी जुड़े आकर और मैक्सिमम आप लोग सीखें जिससे कि बोर्ड में आपके मार्क्स अच्छे आए। हाँ, इसके साथ ही अगर आप इंटर में नहीं है, आप बीकॉम वगैरह में भी है, तो अकाउंट्स के स्टूडेंट होना मस्ट है, आप आगे भी इसको यूजफुल कर सकते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच।